बम्बई का प्रातः क्लास चल रहा था 8 जनवरी 1964। सातवें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी ऐसे नहीं कि मैं आता हूं तो साक्षात्कार होते हैं, साक्षात्कार तो ढेरों को होते रहे। और ढेरों को साक्षात्कार कराता रहता हूं। मैं तो आता हूं बाकी मैं कोई कृष्ण में थोड़े ही आता हूं, अथवा मैं कोई कृष्ण थोड़े ही हूं। सन्यासियों के पास नाम बदलते हैं, कभी इन सन्यासियों से पूछें तुम्हारा नाम तो बताओ, बाबा को याद भी तो नहीं आता है। कैसे नाम भेज दिया एकदम, कैसे रमणीक नाम भेज दिए। बाबा ने नाम दिया है तो बाबा को सबका नाम याद भी भला होता है ना। ये नाम कैसे आ गए, ये भी बंदर है तो ये सभी नूद वंडरफुल है कि कैसे बाप आकर के बच्चों का नाम बदले। जो सन्यास करते हैं मां उस दुनिया में तो सन्यासी नाम बदल देते हैं, नाम देते हैं कृष्णानंद, विवेकानंद, फलाना फैलाना। इनका नाम कौन रखे जो सन्यास लिया। तो वंडर है वो नाम तो फिर भी मनुष्य रखते हैं। ये बाप संदेश में ले आते थे, इन सब का नाम ले आते थे। ये भी ड्रामा में नूंद है, जो फिर से भी ऐसा ही होगा तो बाप बैठ करके ये समझाते हैं बच्चों ये सर्वव्यापी सर्वव्यापी क्या करते हो। वो कैसे सर्वव्यापी है, फिर क्या होता है। तुमको ये पता ही नहीं पड़ता है कि हम दिन प्रतिदिन नीचे कैसे उतरते जाते हैं।
8:64 की वाणी का 8वां पेज। बाप कहते हैं ये माया की जो सारी झंझट है, जिसको दुख कहा जाता है, परंतु अभी तुम्हें आया ही हूं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने। चाहे सुखधाम का मालिक बनो और फिर तुमको जैसा चाहिए वैसा बनो, सूर्यवंशी बनो, चंद्रवंशी बनो, राजा बनो, प्रजा बनो, गरीब बनो, साहूकार बनो, जो चाहिए सो बनो। मैं तो राजयोग सिखाने आया हूं, सो भी डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से राजयोग सीखेंगे उनकी मत पर चलेंगे तो जरूर सूर्यवंशी बनेंगे। ज्ञान सूर्य है ना, ज्ञान चंद्रमा की मत पर चलेंगे तो चंद्रवंशी बनेंगे। मत पर चलें या ना चलें, परंतु दान पुण्य बहुत करेंगे, बहुत सहयोग देंगे तो साहूकार बनेंगे। जैसे नाटक का मांडवा होता है ना, उसमें तुम्हें जो चाहिए टिकट लो, फर्स्ट क्लास का टिकट लो, सेकंड का लो, थर्ड का लो, फोर्थ कैटेगरी का लो, सिंधी में कहते हैं ना, जे की गुरु जे सो वट। ये किससे पूछते हैं? जगदम्बा से। जो चाहिए सो लो, जगदम्बा से अनेक मनोकामनाएं पूरी होती है ना, जो चाहे सो ले लो। मनुष्यों को तो मालूम नहीं है कि जगदम्बा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। क्यों? नारी से लक्ष्मी बनना अच्छा है या जगदम्बा बनना अच्छा है? जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो लक्ष्मी नारायण बनने का है ना, तो लक्ष्मी से तो सिर्फ धन की आस पूरी होती है। परंतु लक्ष्मी
वही देती है जो भगवान से मिलता है। अपनी मनमत से कुछ भी नहीं देती। और जगदम्बा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो क्या लेंगे है? सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे या सिर्फ भगवान का दिया हुआ लेंगे? तो जो चाहे सो टिकट ले लो। वहां तो जाते हैं, जा करके कहते हैं पति चाहिए, धन चाहिए, फलाना चाहिए। अब सन्यासियों के पास जो कोई भी जाएगा कहेगा हमारे बच्ची की शादी करनी है, हमको कोई प्रबंध करके दो। ऐसे ऐसे आजकल शादी करने के दलाल बने हैं, ऐसे साधु संत महात्मा बहुत बने हैं। कोई ढेर के ढेर बने हुए हैं, उनसे जाकर पूछते हैं हमारे लिए सिफारिश करो। क्योंकि वो आपका जिज्ञासु है, आपके पास आता है। उनको कहो कि हमारी बच्ची का शादी होने का है, हम बच्ची को दिखला देंगे। फिर वो जो कहे, वो बेचारा गुरु कहे और वो न माने, तो वो डर पड़ेगा एकदम। भाई बंधुओं में ऐसे बहुत केसेस होते हैं। आज की दुनिया में तो बहुत हैं। पता नहीं गुजरात में भी ऐसे ही होता हो। आजकल देखो मूत पलीती कपड़ धोते मंदिर ठिकानों में जाकर के वहां मूत पलीती का हथियाला बांधते हैं। तो देखो ये फर्क कितना है। अभी बाप बैठ कर से समझाते हैं मंदिरों में ग्रंथ के ठिकानों में जाकर के एक दो को हथियाला बांधते हैं मूत पिलाने के लिए। और वहां नानक कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए अमृत छोड़ बिक काय को खाए। अब बिख के लिए यहां हथियाला क्यों बांधते हो? अभी वो मूत पलीती कपड़ धोने वाला है तो नहीं जो बोले। और यहां तो अभी खुद बोलते हैं, आकर के इनमें भी देखो तुमको कोई समझाने वाला है? जिसको तुम अकाल तत्व भी कहते हो,
यानी बाप का तख्त भी मानते हैं ना। जो बाप कहते हैं मुत पलिती कपड़ धोए, तो फिर असंख्य चोर हराम खोर भी तो होंगे ना। जो अपने लिए ये तमंगा रख देते हैं, हराम खोर भी उनको कहा जाता है जो मूत पीने लग पड़ते हैं। फिर उनका मंदिर नीचे है, नीचे माने कहां की यादगार दिलाई है। माउंट आबू की याद दिलाई, गुरु शिखर है सबसे ऊपर है। फिर 108 मूर्तियों का मंदिर है, दिल वाला मंदिर है। फिर नीचे जाओ तो जगदम्बा का मंदिर है। तो बोला उनका मंदिर यादगार भी नीचे है, नीचे स्टेज वाले हैं ना। चढ़ता नहीं, कहां नहीं चढ़ता, ऊंची स्टेज में। क्यों? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में क्यों जाकर के हथियाला बांधते हो? वो लक्ष्मी नारायण तो बिल्कुल पवित्र हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 आकरा संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। तो भला मंदिर में कोई जाकर के मूत पीने के लिए हथियाला बांधते हो? बाबा बोलते हैं कि कितने नॉनसेंस बुद्धि बन पड़े, रिगार्ड भी इतना रखते हैं उनको, जो वहां जाकर के मूत पीने के लिए मांगते हैं। कहां जाकर के है? किस काम के लिए शिव के मंदिर में नहीं जाएंगे? किस काम के लिए? मूत पीने का हथियाला बांधने के लिए शिव के मंदिर में नहीं जाएंगे। हाँ, शायद होगी कोई धर्मशाला बाहर में, परंतु बाबा ने तो सुना नहीं है। अक्सर करके जो ये मंदिर हैं, वहां बहुत करके ये शादियां वादियां बर्बादियां होती हैं। तो बाप बैठ करके सब बातें समझाते हैं कि शिव के मंदिर में ये शादियां बर्बादियां क्यों नहीं होती हैं। जो नंबर वाले नीचे आत्माएं हैं, नीची स्टेज में रहने वाली हैं, वहां जाकर के ये मूत पलीती शादियां क्यों करते हैं? कोई को न समझ में आवे तो
तो बाबा कहते हैं कि मेरे को और मेरी रचना को ये जो झाड़ है बीज और झाड़ को जानने से लाडले बच्चे तुम सब कुछ जान जाएंगे। तुम आप ही अपना पुरुषार्थ करेंगे कि अभी हमको कैसा बनना है, देखना है मेरे में कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि अभी चले लक्ष्मी और नारायण को बढ़ने के लिए तो अपने आईने में ये मुख देखना है कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है ना। आठ एक 64 की वाणी का नौवां पेज। अपने में देखना है कि मैं औरों को भी आप समान बनाता हूं, जो उनकी भी आशीर्वाद का प्लस होता जावे वो प्लस भी तो मिलता है ना, नहीं तो माइनस हो जाता है। अच्छा, हम घर में कोई ऐसी पाठशाला बनाता हूं या खोलता हूं जो तीन पैर पृथ्वी का खोल करके मैं किस मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य करता हूं। घर घर में मैं स्वर्ग आश्रम बनाता हूं, ऐसे स्वर्ग के द्वार तैयार करता हूं, देखना है कि मैं कोई नरक का द्वार खोल कर तो नहीं बैठ जाता हूं। ये समय में स्वर्ग का द्वार खुलता है, बाप आकर के स्वर्ग के द्वार जाने का रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। जबकि स्वर्ग में जाना है बाया शांति धाम या निर्वाण धाम या मुक्ति धाम, वहां से फिर वापस नहीं आएंगे। कहां वापस नहीं आएंगे है, इस दुख धाम की दुनिया में वापस नहीं आएंगे। अब ये तो कोई जानते ही नहीं है कुछ भी कि यहां क्या सिखलाए रहे हैं। ये भी नहीं जानते हैं कि यहां ये स्वर्ग का द्वार है, पूछना चाहिए तुम यहां किस लिए आए हो। क्या इसीलिए आए हो कि हम बेहद के बाप से स्वर्ग का मालिक बने? तो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए कोई पढ़ाएगा ना, एक बेहद के बाप के सिवाय और तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। और सारी दुनिया तो सर्वव्यापी के ज्ञान में मरी पड़ी है, एकदम चट्ट खाते में चले गए हैं। तुम्हारे सिवाय और सब चट्ट खाते में चले गए। कौन कौन है? अरे चाहे सिख वंशी हो,
चाहे सन्यासी हो, चाहे बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, भले चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रवंशी ही क्यों न हो, वो चंद्रवंशी किसको फॉलो करते हैं? एक बाप को फॉलो करते हैं या दीदी दादी दादाओं को फॉलो करने लग पड़े है? तो सर्वव्यापी के ज्ञान को पकड़ लिया ना, तो वो एकदम सब चट्ट खाते में चले जाएंगे और ऐसे ही मर जाएंगे चट्ट खाते में। सभी पाप की सजाएं खा करके मुक्ति धाम जावेंगे। पीछे वापस चले जाएंगे बेइज्जत होकर। तुमको तो बाप से पासे दानर होना है। इतना करना है जो कभी भी तुम सजा न खाओ, कभी भी का मतलब क्या है? है? सिर्फ संगम युग में या पूरे ड्रामा में? पूरे ड्रामा में कभी भी तुम सजा नहीं खाएंगे। कौन है? कौन? अरे जोर से बोलो ना। आठ, तो सजा न खाने वाले आठ। थोड़ी थोड़ी सजा खाने वाले 108। यानी कि 100, वो फिर आठ में ऐड हो जाते हैं। फिर और भी थोड़ी जास्ती सजा इनको मिलती है, वो कौन सी माला में आवेंगे? है 16108 की माला में। तो सब नंबर वार हुए ना। तो जो जितना सजा खाएंगे उतना ही उनका फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा, कम पद मिलेगा। बच्चों को इतना सब कुछ समझाई देते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझाई देते हैं। अभी तो देखो कितने बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे थोड़े ही है कि बाप जाए तो स्कूल में नहीं आवेंगे। बाप जाता है तो स्कूल उड़ जाता है क्या? उड़ जाता है? हैं? बाप पढ़ाने के लिए सदैव सन्मुख बैठा रहेगा क्या? बैठा रहेगा? कहीं आना जाना नहीं करेगा? ये कैसे हो सकता है? बच्चियां बैठती हैं, तुम लोगों को पढ़ाती हैं, बाप नहीं है तो बच्चियां पढ़ाती हैं,
मधुबन में बैठे हैं तो भी तो पढ़ाते हैं ना, वहां से भी टैप में मुरलियां आती हैं, तो आकर के सुनेंगे ना, नई नई पॉइंट्स निकलती है ना, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। बाप बैठ करके प्रश्न पूछते हैं, किसने कहा है मैं सर्वव्यापी हूं, कहते हैं गीता में है। अब ये गीता किसने सुनाई, कहते हैं कृष्ण ने, झूठ। गीता मैंने सुनाई थी, कौन कहते हैं कृष्ण ने सुनाई थी, ये सामने बैठे हैं बोल लेते हैं एकदम, कौन कहते हैं कृष्ण ने। अरे कृष्ण तो प्रिंस बनाना, उसने पास्ट में ऐसा कर्म किया जो प्रिंस बना, कैसा कर्म किया है? अरे कृष्ण ने पास्ट में ऐसा कर्म किया, बाप ने जब राजयोग सिखाया उसके पास्ट में कृष्ण अर्थात ब्रह्मा ने ऐसा कर्म किया, ऐसा कर्म माना कैसा कर्म किया जो प्रिंस बना। अरे प्रिंस क्या करता है, अरे बाप का कारोबार संभालता है ना, क्या करता है, है? अरे प्रिंस क्या करता है, है? बाप का जो कारोबार है वो जिम्मेवारी अपने हाथ में लेता है ना, तो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा ने ये कारोबार कब संभाला, संभाला होगा नहीं कि ऐसे ही सतयुग में अगले जन्म में प्रिंस बनकर बैठ गया है, क्या कारोबार संभाला, कब संभाला है? अरे सन 47 में किसने संभाला यज्ञ का कारोबार है, बाप तो चला गया, प्रजापिता चला गया या नहीं चला गया, उसका टाइटल फिर किसने धारण किया, ब्रह्मा ने टाइटल धारण किया ना, प्रजापिता ब्रह्मा यज्ञ का कारोबार संभाला ना, तो पास्ट जन्म में ऐसा कार्य किया है जिम्मेवारी संभालने का, तो सतयुग में प्रिंस बन जाता है। अब बताओ उसको ऐसा कर्म किसने सिखलाया, जरूर बाप बिगर और कौन होगा जो स्वर्ग का शाहजादा मालिक बना सके,
या कृष्ण उस ब्रह्मा ने अपने आप अपने को बनाया, कोई तो श्रीमत मिली होगी ना। अच्छा अभी टाइम हो गया, बच्चों को टोल ही बांटना शुरू कर दो। नहीं तो 8:30 बज जाते हैं। अच्छा अब गीत सुनाओ, स्कूल भी कौन सा है, असुर से देवता बनने का है। अरे मालूम है कि बरोबर भगवान ने ज्ञान अमृत का कलश लाया, माताओं के ऊपर कलश रखा, वो जो कहते हैं माता नरक का द्वार है, कौन कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, और बाप कहते हैं माता स्वर्ग का द्वार है। यहां जो माताएं आती हैं ज्ञान अमृत पीकर सबको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, जो नरक का द्वार कहते हैं वो नरक का ही द्वार बताते आते हैं। कोई को भी स्वर्ग का द्वार कभी नहीं बता सकते, क्योंकि सन्यासी खुद ही स्वर्ग में जाने वाले नहीं है, वो तो आएंगे जब शंकराचार्य आएंगे। सो तो रजोगुण में जब द्वापर होता है तब आते हैं सन्यासी लोग, वो निवृत्ति मार्ग वाले कैसे बैठ सकते हैं राजयोग सिखलाने के लिए, वो राजयोग सिखलाएंगे। ये सभी पढ़ करके और सभी को फंसा से रहते हैं। सुनने वाले बेचारे और भी सन्यासियों को ले आते हैं, ठीक 64 की वाणी का 10वां पेज। विलायत वाले चाहते हैं भारत का प्राचीन ज्ञान और राजयोग, तो प्राचीन ज्ञान और योग सन्यासी कैसे बता देंगे, वो तो आते ही हैं द्वापर में, वो थोड़े ही बताएंगे, वो तो और ही जाकर के विलायत में सबको ठगते हैं। जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा होता है ICS या बड़ा पढ़ा लिखा, जैसे बड़े आदमी होते हैं, ऐसे वो जंगल में जाएंगे, वहां कोई बच्चों को देखेंगे, कहेंगे देखो बेचारे कैसे अल्लड़ में एकदम, ये बेचारे कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, जैसे वो ऐसे समझते हैं वैसे तुम जो हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, जो कुछ यहां बड़े बड़े को देखते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिसको कहा जाता है,
जिनके आगे लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। तुम बोलते हैं बेचारे जंगली हैं, अरे ये बेचारे तो कुछ भी नहीं जानते। और ही सबको एकदम बेमुख कर देते हैं, ऐसे ये धंधे करते रहते हैं। अच्छा वो बच्चों को आने दो, थोड़ा जाकर कह दो वो ड्रिल सीख लाएगी। कैसे आजकल की बच्चियां ड्रिल सीख लाती हैं, उनको चित्र भी दो और मिठाई भी दो। ये क्या है ये समझाएं और वो समझें, तब फिर दूसरे चित्र भी ले जाना। इन चित्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, बाप से स्वर्ग का राजधानी का इनहेरिटेंस कैसे मिलता है, कैसे ये नारी से लक्ष्मी बनती है, बनी थी ना, कैसे बनती है बोलो। तुम भी बन सकते हो अगर ड्रिल करेंगे तो। ये ड्रिल बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ याद करना है, बाप को याद करना है और वर्षे को याद करना है। इस ड्रिल से वो गवर्नमेंट को तुम कुछ नहीं देंगी, देंगी कुछ है? वो गवर्नमेंट तुमको खाना देती है, पैसा देती है। देखो इस थोड़ी सी ड्रिल से बाप को याद करना है और बाप के वर्षे को याद करना है। तो तुम 21 जन्म के लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे, कितना आईजी है ये। क्लास तो यहां का बंद हुआ, लास्ट क्लास कल सुबह को वहां सेंटर पर होगा। बाबा कहते हैं कि बच्चों जिनको पढ़ना है तो क्लास में ठीक से आना चाहिए, ऐसे नहीं कि बाबा आवे तो आना चाहिए। बाबा आवे तो क्लास में पहले आना है, या मम्मा आवे तो आना है, नहीं। तुम ब्राह्मणों को बहुत कुछ काम करना है। अच्छा बाप दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और विदाई। यहां फिर कल मिलेंगे, वहां मिलेंगे, किसको कुछ पूछना का है, मिलने का है तो बाबा ने टाइम दे दिया है 11 बजे से 1 बजे तक और शाम को 5:30 से 8 तक। कोई भी बात पूछनी है तो पूछ सकते हो। साधारण बात है तो ये बच्चियां भी बहुत तीखी हैं, ये भी सब कुछ समझा सकती हैं। वो जो काम करते हैं वो तुमको समझाया गया। यादव और कौरव क्या करत भय, और पांडव क्या करत भय, सो अभी तुम समझते हो। गीता में तो कुछ भी नहीं समझ में आता है, बिल्कुल नहीं, वो तो शास्त्र है,
पढ़ते रहो तोते की मुआफिक। देखो ये लोग कैसे ट्रां ट्रां करते रहते हैं, है कुछ भी सच्चाई नहीं। अच्छा बाप दादा और मीठी मीठी मम्मा का, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और विदाई। बाबा बोलते हैं आओ भट्ठी में पढ़ो तो अच्छी तरह से तुमको 9 दिन संग का रंग लग जाए। कोई शरीर छोड़ता है तो मां के पेट में जाके जन्म लेता है, मां के पेट में प्रवेश करता है तो अच्छी तरह से संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? हैं? लगता है। खाना पीना कहाँ मिलता है? अंदर ही मिलता है। हवा कहाँ से मिलेगी, जलवायु कहाँ से मिलेगी? बाहर की दुनिया की हवा लगती है? नहीं लगती है। तो अच्छी तरह से तुमको संग का रंग लगे। क्या गायन है? जैसा संग वैसा रंग, जैसी जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा भोजन, भोजन अच्छा खाते हैं तो बुद्धि अच्छी बनेगी। तो गर्भ के अंदर भोजन भी मिलता है, पानी भी मिलती है, जलवायु सब कुछ अंदर ही अंदर। तो यहां भी 9 दिन की भट्टी में क्या होता है, जाते हैं तो बाहर का खाना मिलता है? हैं? नहीं मिलता। बाहर से पानी मिलता है? नहीं मिलता। हवा, हवा अंदर की मिलती है या बाहर की? हैं? वाइब्रेशन अंदर वालों का मिलता है या बाहर वालों का? हैं? अंदर वालों का। इसलिए इसको भट्ठी कहा जाता है। गीता का भी है तो भागवत का भी है, तो सबका 7 रोज का यादगार है। गीता रखते हैं, गीता का पाठ, भागवत का पाठ और कोई भी ग्रंथ का पाठ रखेंगे तो 7 दिन का रखते हैं। आजकल तो कोई 7 रोज दे भी नहीं सके। फिर बाप कहते हैं कि 7 रोज सिर्फ सुबह को 1 घंटा या 1.5 घंटा हो सके तो स्नान 2 दफा भी होता है। वैसे तो जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं ना, वो अच्छे अच्छे बच्चे रायल घराने के लोग 2 बार स्नान करते हैं ना, तो अच्छे अच्छे बच्चों को भी कितनी बार ज्ञान स्नान करना चाहिए? 2 बार ज्ञान स्नान करना है, सुबह को भी फिर शाम को भी। रिफ्रेश होते हैं ये भी ऐसे है। रिफ्रेश होने के लिए सुबह और शाम, पर सुबह को अच्छा है क्योंकि फ्रेश होता है, तो अंधे धंधे दौरी की थकावट होती है वो सवेरे को दूर हो जाती है। थकावट दूर होगी सुबह को तो बुद्धि में तीर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? हैं? बुद्धि में ज्ञान के तीर अच्छे लगेंगे, शाम को इतना नहीं लगता है। तो कुछ भी ना होने से वो शाम का 1 घंटा ही अच्छा है। 7 रोज 1 घंटा अगर कोई रेगुलर आवे, इतनी कमाई है ये लखपति करोड़पति जो कंगाल भी हैं वो भी लखपति करोड़पति बन जाएंगे। ये कैसे? ज्ञान सुनने से लखपति करोड़पति कैसे बन जाएंगे?
हाँ वो तो बोला है, ये ज्ञान रतन जो ज्ञान के रतन है तुम्हारे स्थूल रतन बन जावेंगे। तो यहाँ जितने बैठे हुए हैं ज्ञान लेने से जेबें भर गई कि नहीं भर गई दिखाओ, स्थूल रतन भर गए, देखो हाथ डाल के देखो कहीं भर गए हो, आपकी जेब भरी हुई होगी, भर गई है हैं? खुशी बुद्ध रूपी जेब। अरे बाबा ने क्या बोला, बाबा ने बोला ये जो ज्ञान रतन है वो तुम्हारे स्थूल रतन बन जावेंगे। तो बुद्ध रूपी जेब में देखो हाथ डाल के स्थूल रतन बने या नहीं बने, हीरे जवाहरात हैं या नहीं? अरे नहीं है, हैं हैं हैं, दिखाओ फिर। अरे झूठ क्यों बोलते, सच्ची बात बोलो ना, तुम्हारी जेब में हीरे जवाहरात हैं या नहीं है, हैं? अरे आप चुप हो गए, कुछ तो बोलो हैं? माना बाबा ने झूठ बोला, जेब भी नहीं कहोगे, बाबा ने झूठ बोला ये भी नहीं कहोगे, और जेब में हाथ डाल के दिखाओगे भी नहीं कि हाँ हमारी जेब भर गई हैं? हाँ तुरंत की बात नहीं है, बाबा ने बताया कि जैसे दुनिया में एक जन्म में कोई कंगाल से करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं या नहीं बन जाते हैं, हैं? बन जाते हैं। ऐसे ही अभी जो ईश्वरीय ज्ञान लेने वाले हैं इसी जीवन में उनका आगे का समय ऐसा आवेगा, कैसा, कि वो सारी दुनिया का सोना उनके पांव में आके गिरने वाला है। इसलिए बोला सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। वैसे भी देखो भारतवर्ष में खास देखो लोग जो भी धंधे पकड़ रहे हैं उनमें उनको नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, या तो 400 बीसी का धंधा करते हैं या तो घाटे में जाते हैं नुकसान हो जाता है, ऐसा है या नहीं है, है? ऐसा ही। तो ऐसा करते करते एक ऐसा समय आएगा कि सब धंधे चौपट हो जाएंगे, लेकिन ईश्वरीय धंधा चौपट होने वाला नहीं है, ये बड़ा फर्टाइल धंधा है। तो बोला अभी तो जिनके पास जो भी स्थूल धन है दुनियावी तौर से तौर तरीकों से कमाया हुआ वो सब मिट्टी में मिल जाने वाला है, लाखों वाले और करोड़ों वाले एक कौड़ी के भी नहीं रहेंगे। बाबा के महावाक्यों को झूठा नहीं समझना चाहिए क्या? अरे बाबा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, देखते हो ना, किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी ले गए चोटा, किनकी आग जलाए, सफल ही होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। ये धनी आकर के कहते हैं कि हम थोड़े ही तुमको कहते हैं कोई बड़ी बड़ी अस्पताल बनाओ, क्या बोला हैं? ये शिव बाबा जो बड़े से बड़ा धनी है वो आकर के क्या कहते हैं, हैं? बड़े से बड़ा धनी है या नहीं है, है ना? शास्त्रों में उनका नाम क्या है, है? शास्त्रों में उनका नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया है, है? कुबेर नहीं, वो कुबेर तो अष्ट देवों में से एक देवता का नाम है, वो शिव बाबा का नाम नहीं है, है? नहीं, हाँ वासुदेव जो है
वो बच्चे का नाम है और उसके बाप का नाम है वसुदेव। वसु माने धन संपत्ति। तो देखो, हम तुमको कोई ये आकर के नहीं कहते हैं कि तुम कोई बड़ी बड़ी अस्पतालें बनाओ। कहते हैं है? नहीं कहते। तो जो आबू रोड में और माउंट आबू में जो ग्लोबल हॉस्पिटल बनाया हुआ है, वो मन्मथ पर बनाया गया है या श्रीमत पर बनाया गया है? है? मन्मथ पर बनाया गया है। मन्मथ पर बनाने वालों ने ये 10 पेज की मुरली कभी जिंदगी में छापी ही नहीं। छापी? कभी पहले सुनी? नहीं सुनी। कटिंग कर देते हैं। बाबा तो कहते हैं घर घर में अस्पताल बनाओ, स्वर्ग बनाओ। क्या वो दुनियावी जो हॉस्पिटल बन रहे हैं, उन हॉस्पिटलों में स्वर्ग बनाने का धंधा होता है या नरक बनाने का धंधा होता है? 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 नरक बनाने का धंधा। अब हम देखेंगे दोबारा कभी हॉस्पिटल में नहीं जाना। अरे कैसे नरक बनाने का धंधा होता है? है? सो नहीं बताएंगे। नरक बनाने का धंधा सभी हॉस्पिटलों में, चाहे सरकारी हो और चाहे अर्ध सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट की तरफ से ये बंधन डाला गया है कि हर हॉस्पिटल में वो जो तिकोना निशान देखा है कभी, लाल लाल तिकोना निशान लटकाया जाता है बोर्ड में, देखा है? है? नहीं देखा। क्या होता है उसका मतलब? है फैमिली प्लानिंग जरूर करना है। कोई भी हॉस्पिटल जो है उसको ये सरकारी नियम जरूर पालन करना पड़े, इतने केस जरूर देने हैं। कैसे केस? पेट में बच्चे आ जाते हैं तो उन बच्चों की क्या करते हैं? सफाई करवा देते हैं। तो फैमिली प्लानिंग होती है ना, फैमिली में सदस्यों की संख्या इससे बढ़ेगी या घटेगी? हैं? घट जाती है तो फैमिली प्लानिंग हो जाती है। या तो कोई के पेट में बच्चे आ गए तो हॉस्पिटलों में से दवाइयां दिलवा दी जाती हैं, और भी ऐसे ऐसे यंत्र लगाए देते हैं जिससे बच्चे पैदा न हो। तो या तो बच्चेदानी को ही साफ करवाए देते। 45 साल 50 साल के बाद कोई भी माता अगर जाती है तो उसकी बच्चेदानी निकाल देते। अगर किसी की बच्चेदानी निकाल दी गई फिर वो विकार में जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी या नहीं? है? फिर उसको बच्चा पैदा होगा? नहीं, विविचारणी बनती रहे लेकिन बच्चा फिर भी पैदा नहीं होगा। तो ये परंपरा जो है वो विदेशों से आई है, विदेशी शिक्षा से आई है या भारत में ये परंपरा थी? है? फैमिली प्लानिंग की ये विदेशों से परंपरा आई। भारतीय परंपरा तो है ब्रह्मचर्य को धारण करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो। इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है। तो देखो, ऐसे बाबा के पास जो बच्चे हैं उनको बाबा कहते हैं। कि मुझे दो या गवर्नमेंट के दो? क्या क्या दो? नरक बनाना है
तो गवर्नमेंट को और स्वर्ग बनाना है तो बच्चे किसे दो? मुझे दो। नहीं, तुम सब हॉस्पिटलें खोलो, रूहानी हॉस्पिटल। अरे बात मत पूछो, ऐसे बाबा के पास बच्चे हैं, खुद ज्ञान न उठाए करके हॉस्पिटल खोलते हैं और उनमें से बहुत आकर के एवर हेल्दी बन जाते हैं जन्म जन्मांतर के लिए। तो जो बनेंगे उनका, उनके ऊपर दलाली मिल जाती है। जैसे कोई दान करते हैं, काली स्थापन करते हैं, तो दूसरे जन्म में उनको जासली विद्या का दान मिल जाता है। बहुत पढ़े लिखे बन जाते हैं। हर एक बात में ऐसे ही होता है। कोई हॉस्पिटल खोले, कॉलेज खोले, तो दूसरे जन्म में वो जास्ती निरोगी रहते हैं, उनको रोग जास्ती नहीं होते हैं। किनको? अरे सुनते जाते भूलते जाते, जो हॉस्पिटल खोलते हैं उनको अगले जन्म में क्या प्रतिफल मिलता है? हैं? उनको शरीर हेल्दी मिलता है, कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो ईश्वर अर्थ गरीबों के लिए दान करते हैं। तो ये भी ऐसे ही है, खर्चा कुछ भी नहीं है इस हॉस्पिटल खोलने में। कौन सा हॉस्पिटल? रूहानी हॉस्पिटल खोलने में कोई खर्चा नहीं है, पाई पैसे का किराए पर तुम ये हॉस्पिटल खोल दो। बाबा क्या करेगा तुम लोगों की? ये तो सब टूट जाने वाले हैं। क्या टूट जाने वाले हैं? वो जिस्मानी हॉस्पिटल। जब मारामारी शुरू होगी दुनिया में तो ये हॉस्पिटल आदि सब क्या होगा? सब टूट जाएंगे। बाबा क्या राय देते हैं कि हर एक कहां न कहां सेंटर खोलो, बच्चे आवे वहां बैठ करके एवर हेल्दी बने, एवर वेल्दी बने। अरे कितना पुण्य है बात मत पूछो, पुण्य के लिए करते हैं ना, वो तो उनको एक जन्म में मिलेगा। और ये तो 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी, तो ऐसा हॉस्पिटल क्यों नहीं खोलना चाहिए? अच्छा वंदे मातरम। वंदे मातरम क्यों है? कारण भी बता देते हैं ताकि सभी माताएं ऐसे न समझें कि हमको वंदे मातरम किया है। वंदे मातरम क्यों? क्योंकि तुम भी सीताएं हो, द्रौपदियां हो, पार्वतियां हो। क्या सीता की तरह शीतल कर्मेंद्रियों वाली हो? और पार्वती की तरह पार लगाने वाली हो कि विषय वैतरणी नदी में और ही डुबोने वाली हो, पार लगाने वाली हो। तो देखो माता का मर्तबा बहुत भारी है। मां कहने से कोई भी विकार की चेष्टा नहीं आती है। आती है? मां कहने से कोई विकार की चेष्टा नहीं आती है। मां भले एप्लीकेशन डालो, शिव बाबा के पास डालो। अच्छा ओम शांति।